देखिए, सिक्स जेपीए से किसी भी नियुक्त अधिकारियों की नौकरी नहीं गई, सब सुरक्षित। हाईकोर्ट से जीते थे अभ्यर्थी, शीर्ष न्यायालय में पराजित होगा। आधार क्या रहा ये देखा जाए। सबसे पहले हम एक एक करके कोशिश करते हैं ये समझाने का कि देखिए, इसमें वरुण कुमार एवं अन्य ये झारखंड राज्य के खिलाफ ये केस किए थे, और ये जो केस चल रहा था इसका जजमेंट के लिए आज तिथि निश्चित किया गया था। जजमेंट आने के लिए ये देख रहे हैं ना, 25/8 सुप्रीम कोर्ट का है जजमेंट। और इस केस के लिए ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अजय रस्तोगी और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सी टी रवि कुमार, ये दोनों का बेंच था। और उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन दिया, देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो ऑपरेटिव पार्ट है हम वही सिर्फ देखेंगे। सारांश क्या रहा, द कैंडिडेट्स वर वर्किंग फॉर द सफिशियंटली 2 ईयर्स बाय दिस टाइम एंड हैव कंप्लीटेड देयर पीरियड ऑफ प्रोबेशन, वी आर नॉट एट फॉल्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, इनका ये कहना था कि उम्मीदवार जो इस समय तक पर्याप्त, देखिए उम्मीदवार जो भी हैं, जो इस समय उम्मीदवार जो इस समय तक पर्याप्त रूप से 2 साल तक काम कर रहे हैं, देखिए उनका नौकरी का कितना हुआ, 2 साल हो चुका, और वे अपना प्रोबेशन पीरियड भी पूरा कर चुके हैं। किसी भी समय उनकी कोई गलती नहीं थी, जो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ उसमें भाग लिए, नियुक्ति हुआ, रिकमेंडेशन जा, सारा जितना प्रोसेस हुआ उसमें कोई उनकी गलती नहीं हुई। चूंकि अब देखिए ये जो मेन बात बोल रहा, बट बिकॉज द इंटरप्रिटेशन एक्टेड अपॉन बाय द कमीशन वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द हाई कोर्ट, दे बिकम ए विक्टिम। क्योंकि उनके आयोग द्वारा की गई कार्रवाई उच्च न्यायालय को स्वीकार नहीं थी, मतलब जो काम जो कार्रवाई कमीशन किया वो स्वीकार हाईकोर्ट को नहीं था, इसलिए वे शिकार बन गए। देखिए कितना बड़ा बात बोल रहा है कि वो शिकार हो गए। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने देखिए ऐसे ऑब्जर्व किया कि एंड दैट, देखिए एंड दैट अपार्ट वी आर ऑल्सो ऑफ द व्यू दैट वट इज ऑब्जर्व बाई हाई कोर्ट मे ओनली बी कन्फाइन टू 6 कम्बाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2016। उसके बाद उन्हें बताया गया कि हमारा यह भी विचार है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा माना जा रहा है वह केवल 6ठी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2016 तक ही सीमित रह सकता है, क्योंकि अब राज्य के पास नियम रूल 2021 बन गया है और नए सिरे से कंबाइंड सिविल सेवा परीक्षा 2016 नहीं 2021 के तहत प्रक्रिया शुरू की गई है। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनिशिएटेड 7 कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2016, ये 2021 है। आगे देखिए, आगे ये बताया कि जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यूट्स के बात हो रहा है कि कानून का व्याख्या कैसे करते हैं, इसमें देखिए कोर्ट कह रहा है कि पंक्चुएशन मार्क जो दिया जाता है रूल में, मतलब जो क्लाउज ए बी कॉमा ये सब जो डालते हैं ना, उसके बारे में चर्चा है। क्लाउज रूल 16 था, उसके साथ दोनों क्लाउज ए और बी दोनों को पढ़ना चाहिए था, सिर्फ क्लाउज बी को के जजमेंट हाईकोर्ट को नहीं देना चाहिए, जो आक्षेपित निर्णय है उसके बारे में। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताया गया कि जोय गुड़िया का जो केस हुआ था और गौरव प्रियदर्शी का, देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि जजमेंट इन जोय गुड़िया केस बाय हाईकोर्ट इज इन रेफरेंस टू प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, वो सिर्फ पीटी एग्जामिनेशन के लिए था, और डिविजन बेंच अंडर इम्पिंग जजमेंट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज ऑब्जर्वेशन वाइल एग्जामिनिंग स्कीम ऑफ मेन एग्जामिनेशन हेल्ड बाय कमीशन पर 26 जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जोय गुड़िया गौरव प्रियदर्शी का केस वो सिर्फ पीटी के लिए था, और जब हाईकोर्ट का डिविजन बेंच जब एग्जामिन कर रहा था कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2016 के मुख्य परीक्षा का, उससे इन्फ्लुएंस हो गया, वो सिर्फ पीटी एग्जामिनेशन के लिए था। और उसके उलट आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, टू द कंट्ररी, उसके उलट इट वाज टू बी इंटरप्रेटेड इंडिपेंडेंटली ऑन द बेसिस ऑफ स्कीम ऑफ रूल्स 51 रीड विद क्लॉज 12-13, और कह रहा कि इसका इंटरप्रिटेशन स्वतंत्र रूप से 1951 के रूल के जो स्कीम था और एडवर्टीजमेंट के क्लॉज 12-13 था उसके साथ करना चाहिए था। और इस तरह से देखिए परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अपील डिजर्व टू सक्सीड, अपील सफल हो गया और अकॉर्डिंगली अलाउड, तदनुसार इसे अलाउ किया जाता है। और उसके परिणाम क्या हुआ कि हाईकोर्ट का जो 23 फरवरी 2022 का जो जजमेंट है उसको क्वेश और सेट असाइड किया जाता है,
मतलब उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसको सेट असाइड किया जाता है। अब देखिए, अब जो सिख जेपीएससी के जितने अभ्यर्थी हैं उनके पास सब अब कोई चारा नहीं बचा सिवाय एक रिव्यू पिटीशन का होता है, लेकिन एक्सेप्शनली वो अलाव होता है अलग अलग परिस्थितियों में। तो चलिए, छठी जेपीएससी का एक अंतहीन कथा का आज अंत हो गया। एंडेवर फ्री ऑफ देख